वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे रेड बटन पे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ बाजू में फ्रेंड्स, ये जो बेल आइकन दिख रहा है, यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दे ताकि हमारा हर एक नया जो हमारा नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियोस में जाकर के काफी सारे सॉल्यूशंस के वीडियोस हम लोग डालने की कोशिश किए हैं। ये सारे देखिए आप, पावर बूट सीक्वेंस कैसे काम करता है, डेड मोबाइल में क्या क्या आपको चेक करना है, यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हमने बताई है, हेडफोन लोगों में क्या क्या काम करना है, इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे बैटरी थर्मल आईडी हो गया या मीडियाटेक का सीपीयू हो गया, तो ये सारी चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की है। सारे वीडियोस जा करके देखिए। इसके अलावा हमारा कोई भी वीडियो के नीचे जाइए आप, यहाँ पे अगर टाइप करेंगे फोन फिक्स हैदराबाद तो हमारी एक वेबसाइट मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे वेबसाइट में भी अगर आप जाएंगे फ्रेंड्स तो काफी सारी चीज, यहाँ पे आप कोर्स का डिटेल लेना चाहते हैं तो कोर्स में जाइए, यहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा, ये वीडियो प्ले करके चेक कर लीजिए, सारी चीज आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा का सारा यहाँ पे आपको वीडियो में बताया गया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक मोर पे क्लिक करें। नॉलेज नहीं है, यहाँ पे लाइन ट्रेसिंग की नॉलेज नहीं है, मल्टीमीटर आपको सही से चलाना नहीं आता है, या फिर आपको वोल्ट तो यहाँ पे ये वीडियो देख सकते हैं, या तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में क्या क्या चीज सिखाई जाएगी। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसा कि आज हमने बताया आपको, आज हम बात करने वाले हैं मीडियाटेक चिपसेट पे। तो यहाँ पे हमने एक दो मॉडल्स ओपन किए हैं, एक है Realme 3 का मॉडल हमने लिया है और दूसरा लिया है Redmi 6A का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोनों हैंडसेट में फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं पावर एसी के बारे में, ये जो बक कॉइल्स होते हैं यहाँ पे क्या वोल्टेजेस आते हैं, कितने जनरेट होते हैं। और Redmi 6A में अगर आप देखेंगे तो 6357 CRV आपको देखने को मिलेगी, और अगर Realme जो 3 का मॉडल देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6358 W आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें फ्रेंड्स दोनों आईसीओ में बहुत सारा डिफरेंस होता है, हालांकि दोनों भी मीडियाटेक ही है। तो आज इन दोनों आईसीओ के बारे में ही हम देखने वाले हैं कि इस CRV और 58W में क्या थोड़ा सा चेंजेस रखा गया, क्योंकि फ्रेंड्स सीपीयू तो आपको मीडियाटेक ही है, 4G हैंडसेट ही होगा, लेकिन फ्रेंड्स पावर एसी से काम लेने का जो तरीका होता है वो इनका डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Realme 3 में अगर आप देखेंगे तो MT6358W मिलेगी आपको, अगर से आप Redmi 6A में देखेंगे तो यहाँ पे 6357 CRV आपको देखने मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे CRV और MRV में भी बहुत सारा डिफरेंसेस है, और 58W में बहुत सारा डिफरेंस है, 6328V में बहुत सारा डिफरेंस है। तो ये जानना बहुत जरूरी है आपको कि क्या इसमें फर्क है, अदरवाइज आपको मोबाइल रिपेयर करने में मुश्किल होगा। ये जो हमारे वीडियोस है फ्रेंड, हो सकता है फ्रेशर बच्चे को थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि अभी हम लोग जो लेवल के वीडियो डाल रहे हैं शायद ही किसी इंस्टीट्यूट वाले भी आपको पढ़ाए होंगे इस तरह से, क्योंकि फ्रेंड बहुत सारे इंस्टीट्यूट वालों को पता ही नहीं होता है कि ये किस तरह से बक और LDO लाइन्स काम करती है, पावर एसी का बूट सीक्वेंस क्या होता है, सिग्नल लाइन्स क्या होती है। तो यहाँ पे मीडियाटेक है, वॉच डॉग की सप्लाई इसमें मिलती है, VRTC की सप्लाई मिलती है, वी कॉइन की सप्लाई मिलती है, बहुत सारे ऐसे सप्लायरों के नाम होते हैं जो वोल्टेजेस होते हैं जो चेक करना होता है। और आप देखे होंगे क्वालकॉम में VPH हम जिसे बोलते हैं, यहाँ पे VSWIS बोल के आपको नाम देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड ऐसा है कि जिसकी जितनी नॉलेज है उतना ही आपको सिखाएंगे, बहुत सारे इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट है, सब अपने आप को बेस्ट बोलेंगे, सब अपने आप को मैं नंबर 1 बोलेंगे, नंबर 2 बोलेंगे, बट फ्रेंड्स होता क्या है, वो जो बच्चे उनके पास जाकर सीख कर आए उनका रिजल्ट आप देखिए, उनका काम आप देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या लेवल पे वो लोग उनको सिखा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फोन फिक्स हैदराबाद में जो है हम लोग जो बच्चों को सिखाते हैं पूरा A to Z लेवल तक उनको सिखाते हैं, पूरा एडवांस और चिप लेवल पे ही हम सिखाते हैं, सर्किट लेवल पे उनको सिखाते हैं और स्कीमेटिक लेवल पे सिखाते हैं, क्योंकि फ्रेंड स्कीमेटिक डायग्राम की जो नॉलेज है, सर्किट की जो नॉलेज है, वोल्टेज मेजरमेंट, एम्पियर, ये सारी चीज उनको पता होना चाहिए, तभी वो एक अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चों को बैटरी कनेक्टर, वही चार्जिंग पिन वगैरह और बेसिक VBAT वगैरह, वोल्टेज I2C लाइन वगैरह ही बता देते हैं, बट फ्रेंड ये नहीं बताते कि यहाँ इतने सारे कैपेसिटर्स है, कॉयल्स है, इतने सारे हमारे बैंड पास फिल्टर ICs है, डिप्लेक्सर्स है, ये RX TXC लाइनें हो गई, इसमें बहुत सारा VPA की वोल्टेज होते हैं, ये सारी चीज बताता नहीं है बच्चों को। जैसा कि वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, FM के लिए क्या IC काम करती है, क्रिस्टल है मीडियाटेक में कितने मेगाहर्ट्ज का होगा, क्वालकॉम में कितने मेगाहर्ट्ज का होगा, बेस बैंड के लिए क्या सप्लाई जाती है, एक्सो इन में कितना वोल्टेज मिलता है, 32 kHz क्या होता है, VRTC किसे कहते हैं, रियल टाइम क्लॉक की सप्लाई क्या होती है, तो ये मेगाहर्ट्स, किलोहर्ट्स,
बग, LDO, ये सारी चीज बच्चों को पता नहीं होती, इसीलिए मोबाइल को सही तौर पे रिपेयर नहीं कर पाते हैं। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए, मेरा टॉपिक कुछ और है, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आईसी हमने लिए है MT6358, जिसमें आप देख सकते हैं ये आईसी जिस भी हैंडसेट में मिलेगी आपको, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ यहाँ पे बग कॉइल्स मिलेंगे बड़े से, जैसा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चार्जर लगा करके चेक करना है, तो यहाँ पे मॉडेम की सप्लाई छोड़ करके जब आप यहाँ पे बक वोल्टेजेस जनरेट होते हैं तो वो किस तरह से होते हैं और कौन से वोल्टेजेस होते हैं, यहाँ पे हम आपको आज डायग्राम में बताना चाहेंगे। ये देख सकते हैं दोनों का कंपैरिजन मैंने यहाँ पे बना दिया है, MT6357 CRV और MT6358W, ये दोनों भी लेटेस्ट पावर आईसी है मीडियाटेक में, जो कि बहुत ही लेटेस्ट में आते हैं, और इसी के अंदर आपको ऑडियो आईसी भी होता है, ऑडियो का भी सेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये आप रेडमी 6A में देखेंगे या किसी भी वीवो के फोन में देखेंगे Y91, 95, 90, 85 जिसमें 6357 CRV लग के है, तो वहां पे आपको इस तरह के बस 5 ही बग कॉइल्स देखने मिलेंगे। लेकिन अगर आप MT6358W देखने को मिलेंगी तो यहाँ पे 9 बग कॉइल्स देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे कॉइल्स क्या है, क्योंकि कॉइल जो होते हैं वो स्विचिंग कॉइल होती हैं, वो जिस एरिया में लग जाते हैं उसे हम वैसा नाम देते हैं। अगर लाइट सेक्शन में लग जाए तो बूस्ट कॉइल हम बोलते हैं, और वही चार्जिंग सेक्शन या फिर आपका पावर एसी के सेक्शन में लग जाए तो हम उसे बग कॉइल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉइल जो होता है फ्रेंड्स हमारा, ये स्विचिंग कराई जाती है कॉइलों से, तो हम इसे स्विचिंग कॉइल भी कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि MT6358W में, अगर यहाँ से मैं डायग्राम में बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे कॉइल है। पहले इसी आईसी को हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले इसको VPS की सप्लाई दी जाती है, जिसको हम VSYS बोलते हैं, जो कि 3.6 से 4.2 के आसपास वोल्टेज होता है। दो यहाँ पे TVS डायोड लग के है पैरेलल में। उसके बाद जिसको हम ESD भी बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद में 1 ohms का एक रजिस्टर लग के है यहाँ पे सीरीज में। ये रजिस्टर के थ्रू ये सप्लाई हमारी SMPS सप्लाई के लिए जाती है, जो कि हमारा स्विचिंग मोड पावर सप्लाई होती है, तो उसको जनरेट करने के लिए, जिसको हम बक कोर सप्लाई बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितने हमारे कॉइल से आउटपुट में, उतने ही यहाँ पे 9 बार ये सप्लाई पावर एसी में जाएगी। और उसके बाद एक कैपेसिटर यहाँ पे ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, और यहाँ पे एक थर्मल पैड होता है जो कि इंटरनल PCB में होता है। ये कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, यहाँ पे भी ग्राउंड मिलना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज इन होता है, यहाँ पे ग्राउंड नहीं मिलता है, तब भी आपको प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर आप देखेंगे कि तो न्यूट्रल और फेस के थ्रू ही वहां पे काम करती है, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स दोनों मिलकर ही एक सर्किट पूरा क्लोज सर्किट बनता है, वो वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सभी लाइनों में इस तरह का एक थर्मल पैड रखा गया है, और एक कैपेसिटर पैरेलल में है, और ये हमारा जो वोल्टेज है किस लिए जा रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बक कंट्रोल जो सेक्शन है उसके लिए, यहाँ पे वी प्रोसेसर में 2 सेक्शन होते हैं इस वाली आईसी में, जिसको हम प्रोसेसर वोल्टेज भी बोलते हैं। तो वोल्टेज प्रोसेसर 11 और 12, जिसको हम L और B के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसको और भी बहुत सारे नाम होते हैं DVFS वगैरह, तो ये दोनों प्रोसेसर के लिए। इसके अलावा तीसरी हो गई वी कोर सप्लाई, जो कि हमारे CPU के ब्रेन के लिए कोर सप्लाई के लिए कोर वोल्टेजेस होते हैं, उसको जनरेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे VPS देना होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मॉडेम सेक्शन के लिए मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के लिए जो वोल्टेज इन हो रहा है वो हमारा VSYS ही है, तो यहाँ से आउट जो सप्लाई होगी वही हमारी नेटवर्क सेक्शन के लिए आउट होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स VPA, जिसे हम वोल्टेज पावर एम्पलीफायर भी कहते हैं, जो कि हमारी 4G और किसी किसी हैंडसेट में 2G आईसी में भी ये सप्लाई जाती है। VPA वोल्टेज जो होता है हमारा VCC मेन वोल्टेज होता है, जो कि हमारा आगे जाकर के, ये अगर आप देखेंगे VPA PMU जो कि पावर मैनेजमेंट यूनिट से आउट हो रहा है, ये क्लोज होता है आपका आपकी 4GPA के पास में। यहाँ पे आप देख सकते हैं VS1 जो होती है हमारी, इसमें हायर LDO की सप्लाई होती है, जो कि यहाँ से जनरेट होती है। इसके अलावा VS2 जो होता है फ्रेंड्स हमारा लोअर LDO होता है, लोअर LDO के लिए भी इनपुट सप्लाई जो हमारी यहाँ से दी जाती है, उसके बाद यहीं से ही आउट होगी। इसके अलावा वोल्टेज फॉर जनरल ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे GPU सेक्शन जो होता है इसके अंदर ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट जिसे कहते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे सप्लाई दी जाती है। उसके अलावा VDRAM, रैम की सप्लाई जो होती है फ्रेंड्स, DRAM डबल डाटा रेट जिसे कहते हैं, LPDDR लो पावर डबल डाटा रेट जिसे हम रैम कहते हैं, रैम के लिए भी यहाँ से सप्लाई आउट जाए। तो टोटल आप देखेंगे यहाँ पे 9 कॉइल्स है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रोसेसर 11 के लिए जो सप्लाई आउट हो रही है वो हो रही है L2001 से। अगर आप देखेंगे यहाँ पे L2001 हमारा यहाँ पे है, यही चीज मैं आपको डायग्राम में भी बताना चाहूंगा। ये देख सकते हैं L2001 से वी प्रोसेसर
जो है हमारा बी होता है जिसकी सप्लाई 0.8 आउट हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं वी प्रोसेसर एल जिसे हम कहते हैं 0.8 की सप्लाई, प्रोसेसर बी और प्रोसेसर एल में आपको 0.8 के आसपास सप्लाई मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको हायर एलडीओ और यहाँ पे देख सकते हैं लोअर एलडीओ, हायर एलडीओ में आपको 2.2 के आसपास सप्लाई मिलेगी, लोअर एलडीओ में 1.25 के आसपास। इसके अलावा वीडीडी रैम के लिए 1.25 की सप्लाई यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको वीडीडी कोर 0.8 के आसपास सप्लाई, ये वाली भी जरूरी है कोर सप्लाई हमारी। और ये जो VPA APT जो होती है फ्रेंड्स ये हमारा 4G जो हमारा PA होता है उसके लिए ये इनपुट सप्लाई होती है VCC मेन जिसे हम कहते हैं, जो कि 3.4 के आसपास सप्लाई मिनिमम मिल जाती है। मॉडेम सेक्शन में फ्रेंड्स आपको सिम वगैरह लगाने के बाद नेटवर्क सेक्शन एक्टिवेट होने के लिए ये वाली सप्लाई आपको बाद में जनरेट होगी, बट चार्जर वगैरह लगाने पर ये दूसरे सप्लाई आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 9 कॉइल्स है, वैसे ही MT63 CRV में अगर आप देखेंगे तो 5 कॉइल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लोअर एलडीओ के लिए एक अलग से कॉइल लगाया गया है, डायरेक्ट ये ऐसी लोअर एलडीओ बनाती है। बट MT6357 CRV में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे लोअर एलडीओ के लिए अलग से कॉइल नहीं रखा गया है, जो हमारा हायर एलडीओ है उसी के बारे में एक्सटर्नल बक करके एक ऐसी आपको देखने को मिलेगी, जो कि हमने इससे पहले भी आपको बताने की कोशिश की है। ये देख सकते हैं एक्सटर्नल बक फॉर VS2 की सप्लाई बनाने के लिए, जो कि हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं VS2 जो होता है हमारा लोअर एलडीओ होता है और VS1 जो होता है हमारा हायर एलडीओ होता है। तो VX2 जो होता है फ्रेंड्स हमारा एक्सटर्नल बक के लिए एक आईसी देखने को मिलेगी जिसमें 8 पिन की सप्लाई होती है, इसको VS देकर के इसको इनपुट दिया जाता है और पावर गुड के लिए एक टेस्ट पॉइंट होता है यहाँ पे इसको चेक करने के लिए, और इसको इनेबल कराने के लिए VS1 की ही सप्लाई यहाँ पे दी जाती है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 2 पिन इसके ग्राउंड होते हैं, तीसरा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, तीसरा जो पिन है ये एक्सटर्नल VBUC S2 यहाँ से फीडबैक, इसी से यहाँ पे फीडबैक वापस से मिलता है इसको। और यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कॉइल स्विचिंग कराने के लिए कॉइल होता है, उसके बाद यहाँ से एक VS2 की सप्लाई जनरेट होती है जिसको हम लोअर एलडीओ कहते हैं 1.32। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये हमारा एक बक एक्सटर्नल बक जो कि VS2 के लिए सप्लाई बनाता है, जो कि लोअर एलडीओ के लिए बनाती है ये वाली आईसी। और आप इसमें एक और देखे होंगे VA12 जो कि CPU के लिए वोल्टेज बनाती है, अदरवाइज आपका CPU एक्टिवेट नहीं होगा, आपका सेट टोटली डेड हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की है फ्रेंड्स। और अगर 6357 CRV में अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 5 कॉइल ही देखने को मिलेंगे आपको, और इसकी जो होती है फ्रेंड्स एक कॉइल आपकी VPA APT के लिए, जैसे कि यहाँ पे भी 3.4 के आसपास वोल्टेज जनरेट होता है। इसके अलावा एक वोल्टेज प्रोसेसर के लिए जो कि 0.8 के आसपास वोल्टेज मिलेगा, और एक वोल्टेज मिलेगा आपको VDD कोर सप्लाई जो कि हमारी CPU के लिए जाती है, APC सप्लाई भी बोलते हैं जिसे हम एप्लीकेशन के लिए। इसके अलावा मॉडेम की सप्लाई ये आपको बनेगी बाद में, और एक जो कॉइल होता है यहाँ पे VS1 जो होता है फ्रेंड्स हमारा हायर एलडीओ होता है, जैसे यहाँ पे भी मैंने बताया था तो हायर एलडीओ की 2.1 की सप्लाई होती है, और इसी हायर एलडीओ से ही एक्सटर्नल बक में जाकर के यहाँ पे VS2 की सप्लाई जनरेट होकर के 1.2 की सप्लाई मिलती है। तो ये दोनों आईसीओ में फ्रेंड्स 9 कॉइल्स इसमें लगाए गए हैं, और ये आईसी जहां भी मिलेगी आपको 6357 CRV यहाँ पे 5 कॉइल ही मिलेंगे। जैसे मैं Redmi 6A में अगर आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, अगर आप चाहो तो आप Vivo के Y9195 वगैरह में भी देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये बस 5 कॉइल ही है। और अगर आपको देखना है कि जो हमारी एक्सटर्नल बक की जो आईसी है वो कहाँ पे है तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ उसका नंबर भी, इसका नंबर U2803 है। तो यहाँ पे डायग्राम में आके आपको डालना है U2803 डालना है, और इसको हम सर्च करेंगे तो ये देख सकते हैं VA12 और लोअर एलडीओ के लिए जो आईसी यूज की गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायग्राम में भी मैंने बताने की कोशिश की है। यहाँ पे VS की सप्लाई आ रही है, और ये हमारी सप्लाई जो कि VS2 1.35 की सप्लाई यहाँ से निकल के आउट होती है, और यही 1.35 की सप्लाई आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी EN के थ्रू, जो कि हमारी VA12 के लिए जाती है, और ये वोल्टेज यहाँ पे आपको 1.2 के आसपास ये लोअर वोल्टेज मिलता है जो कि CPU में जाता है। तो इस तरह की आईसी जो कि U2803 अगर मैं लेआउट में बताना चाहूँ, U2803 चलिए कहाँ पे लग के एक बार बता देता हूँ, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये देख सकते हैं पीछे साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग आईसी यहाँ पे है, इसके जस्ट बाजू में यहाँ पे ये दोनों आईसियाँ मिलेंगे आपको जो कि VA12 की सप्लाई बनती है और VS
टू की सप्लाई बनती है जो कि लोअर एलडीओ की। तो ये दोनों आईसीयां यहाँ पे जिस जिस में भी आपको MT6357 CRV मिलेगी तो ये दो आईसी भी उसमें देखने को मिलेंगे। बट फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारा 5W जो कि हमारे आईसी है, इसमें VS1 की सप्लाई के लिए ऑलरेडी यहाँ पे इसी आईसी से आउट होता है, तो इसमें एक्सटर्नल बक ये यूज नहीं होगा। और VS1 की सप्लाई अगर आप सर्च करोगे तो आगे जाकर के ये इसी आईसी को मिल रही है, जैसे आप देख सकते हैं VS1 LDO सप्लाई को जनरेट करने के लिए यहाँ देख सकते हैं 3 कैपेसिटर के थ्रू, और ये भी हमारा पावर आईसी ही है। और अगर आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जा रही है एक LDO है छोटा सा 5 पिन का जो कि कैमरे के लिए होता है, और VS1 की सप्लाई अगर आप देखेंगे तो वापस से फिर यहीं पे इसी आईसी में आ जाती है। और VS2 जो कि हमारा लोअर LDO अगर आप देखेंगे तो ये भी यहीं से आउट होगा VS2 की सप्लाई, इसके बाद ये आगे जाएगी इसी आईसी में फीडबैक के लिए, वापस इसमें आएगी LDO की सप्लाई आउट करने के लिए। तो ये सारी चीज फ्रेंड्स आपको एक अच्छे से सीखना है, समझना है, तो ज्वाइन करना होगा फोन फिक्स हैदराबाद में। आपको क्लास में सारी चीज बताऊंगा कि कैसे ये आईसियां वर्क करती है, कैसे इन बक कॉइलों पे वोल्टेज आता है। तो ये सारी चीज हमने यहाँ पे भी बताने की कोशिश की है, आपको ड्रॉ करके देख सकते हैं आप। तो ये बनाना सीखना है आपको, जैसे कि एम्पियर वगैरह भी हमने यहाँ पे लिखा है, वोल्टेजेस भी सारे लिख दिए हैं यहाँ पे, कॉयल का नंबर भी लिख दिया है। ये Realme 3 का डायग्राम है जो कि एक मीडियाटेक चिपसेट इसमें होता है, मीडियाटेक सॉक जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ सीखने का है फ्रेंड्स, अगर आपको एक अच्छा प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनना है ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। एवरी मंथ ओनली 1 बैच ही है हमारे पास अभी, बेसिक टू एडवांस, जिसमें हम 20 डेज की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें 8 घंटा प्रैक्टिकल हैंड स्किल का काम कराते हैं, 2 से 3 घंटा आपका थ्योरी का क्लास चलता है, जिसमें लाइन ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, सर्किट डायग्राम, और उसके बाद हमारा 8 घंटा प्रैक्टिकल चलता है, जिसमें एक एक चीज हम बताते हैं, सारा मदरबोर्ड में कॉयल, कैपेसिटर, रजिस्टर सारे कैसे चेक करना है, कैसे निकालना है, उनका वर्किंग क्या है, कनेक्टर्स हो गया कितने टाइप के कनेक्टर आते हैं, आईसी हो गई लेग आईसी, बॉल आईसी, पैड आईसी, उसके डाटा शीट कैसे बनाना है, उसको कैसे समझना है, सब कुछ बताते हैं। डैड मोबाइल में चेक करने के इजी स्टेप्स, 5 स्टेप्स ऑफ डैड मोबाइल बहुत इजी वे में बताते हैं कहां कहां पे चेक करना है। अगर फ्रेंड्स आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप पेस्ट मारकर हीट मारते रहोगे आईसीयू में, पेस्ट डाल करके, या कोई ना कोई आईसी को हिला देंगे, तो प्रॉपर चेकिंग करने का प्रोसेस नहीं मालूम, तो कैपेसिटर वगैरह रिमूव करते रहेंगे। तो यही होता है फ्रेंड्स, अगर अच्छी नॉलेज अगर आपके पास है तो आप एक अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। तो आज ही जुड़ जाइए फोन फिक्स हैदराबाद मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर के साथ। देख सकते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा हमारे पास ही बच्चे जो है इस तरह से डबल डेकर वीडियो बनाते, डबल डेकर के सेट्स बनाते हैं। बांग्लादेश से इतनी दूर से भी स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, सारे यहाँ पे अदर कंट्री से भी आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो बच्चे हमारे डबल डेकर के फोन लेकर आते हैं, साथ में ब्लैक पेस्टेड डेड मोबाइल लेके आते हैं। ब्लैक पेस्टेड का फ्रेंड्स इतना इजी ट्रिक आपको बताएंगे, कोई ग्लू कोई आईसी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज होती है लेटेस्ट टूल्स, इक्विपमेंट्स, ट्रेसिंग के लिए दिए जाते हैं आपको, सारे टूल्स जो देते हैं आपको, सबसे ब्रांडेड टूल्स इंडिया में अगर कोई देता है बच्चों को फोन फिक्स हैदराबाद यूज करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, हमारे इंस्टीट्यूट में आपको सब कुछ सिखाया जाता है। सिर्फ काम ही नहीं फ्रेंड्स, आपको बिजनेस कैसे करना है, दुकान कैसे चलाना है, दुकान में क्या क्या सामान आपको रखना है, सब कुछ हेल्प हम आपको करेंगे, कस्टमर से कैसे बात करना है सब कुछ बताएंगे, क्या प्रोफेशनल टूल्स आपको मोबाइल रिपेयरिंग में लगते हैं, इसके ऊपर भी हमने काफी सारे ऑलरेडी वीडियोस डाले हैं। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स डबल डेकर बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है यहाँ पे डबल डेकर बनाए, इतनी दूर दूसरे कंट्री से आ गए, नेपाल के बच्चे आ गए, न्यूजीलैंड के बच्चे यहाँ पे आते हैं, हर महीना यहाँ पे बच्चे आते हैं, और हर महीना यह देख सकते हैं यहाँ पे कितना खुश खुश जाते हैं काम सीखने के बाद। आप जाकर उनके रिव्यूज देखिए, वीडियोज देखिए, किस टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर करें, कोशिश करते हैं और भी वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है, जैसे आप जान सकते हैं डायग्राम को भी बनाना होता है, सर्किट को, ये सारी चीज डिजाइनिंग करनी होती है, ये आपको समझाना होता है, तो ये सब बताने के लिए भी बनाने के लिए काफी टाइम लगता है, एडिटिंग के लिए टाइम लगता है, एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लगता है, 3-4 लोग मिलकर एक वीडियो बनाते हैं बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभार 2-2, 3-3 दिन भी लग जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से बस एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके एक किसी टेक्नीशियन भाई के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो से फ्री ट्रेनिंग सीख सके, हम तक वो पहुंच सके,
और हमारे चैनल से वो बहुत कुछ सीख सके। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दे हमारे वीडियोस आपको किस तरह के लगते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में, नए नए टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे, नए नए आईसीएम के बारे में आपको हम जानकारी देते रहेंगे जो कि दूसरे इंस्टीट्यूट वाले छुपाने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट वालों को तो पता ही नहीं होता है फ्रेंड्स, इसीलिए वो सब अपने बारे में बड़ाई करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे आप देखे होंगे हम बच्चों से काम करवा के दिखाते हैं, हमारे फेसबुक पे जाइए और देखिए कितने बच्चे डेली काम कर रहे हैं। वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट में आपको बहुत ही जल्द यहाँ पे भी एक अपडेट मिलने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ पे ब्लॉग में अगर आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पे आपको हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं उनका यहाँ पे आपको ब्लॉग के अंदर भी रिव्यू मिलने वाला है, ब्लॉग के अंदर भी हम बताने वाले हैं कि कैसा यहाँ पे बच्चे क्या क्या काम कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।